Good morning, everybody. This is Sujit Naik, and today again we have started to learn about expressions. Okay, this is GK class, and we are learning about expressions. I'm not talking about facial expressions actually. I'm talking about speaking expressions. Right? ये क्या है? थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा कि expression हम किसको कह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है? Let us start. Sometimes we use names of different parts of our body for better language skills. ठीक है? कभी कभी हम लोग अपने बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बोलते वक्त यूज़ करते हैं. किसी चीज़ को एग्जाम्पल देने के लिए हम अपनी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स की एग्जाम्पल देते हैं ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ठीक है, आगे देखो बुक हमें क्या कहता है. Well, following are some few pictures of things with which we can relate our body parts. यहाँ पे कुछ कुछ फोटोज हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा और जो कि हम अपने बॉडी पार्ट्स के साथ रिलेट करके हम उसको बता सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट के एग्जाम्पल देके हम उनको बता सकते हैं कि ये क्या है. कभी कभी हमें किसी चीज़ की एग्जाम्पल मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं पता होता लेकिन हम अपने बॉडी पार्ट्स की एग्जाम्पल उनको देते हैं. ठीक है, यू कैन मेड द राइट वर्ड्स विथ राइट एक्सप्रेशंस. आप अपनी बॉडी पार्ट्स की जो वर्ड्स होते हैं राइट जैसे कि नाउन होते हैं मतलब नाम होते हैं उनको आप राइट एक्सप्रेशन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड हाउ यू विल यूज़ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू दीज ऑल दिस थिंग्स. ओके, be ready, let us start. I'm starting with our mouth. Well, ये कुछ फोटोज मैं आपके सामने रख रहा हूँ जैसे कि माउथ है, हम इसकी एग्जाम्पल देते हैं, माउथ के एग्जाम्पल देते हैं, फीट के एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है, नोज का एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज को बताने के लिए, नेक का भी एग्जाम्पल देते हैं. This is our neck and we are giving example of this neck also. Tongue, yes, ये तो बहुत जगहों पे देते हैं हम लोग example. Teeth, yes of course, teeth का भी example हम देते हैं. And these are the body parts, you know, forehead, eye, nose, hand, eye, elbow, chest, stomach, leg, ankle, toe, hair, eyebrow, ear, mouth, neck, shoulder, arm, finger, wrist, knee, foot, belly, etc. You know, we are just giving example of our body parts to showing something else. कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए हम अपना body parts को example में लेते हैं. अब तक तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. चलो आपकी जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं. ओके, एग्जांपल ऑफ टंग, ये देखो ये टंग है, बच्चे का टंग है ना, बिल्कुल हम लोगों का टंग कुछ ऐसे होता है, जीभ ऐसे होता है. टंग हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यस, द टंग ऑफ अ शू. शू के अंदर अगर आप लोग देखोगे, इफ यू विल लुक इनसाइड ऑफ अ शू, वहाँ के एक पतली सी आपको जो कटिंग मतलब जीभ के जैसे कटिंग हुई नीचे आप पैर जहाँ रखते हैं ना वहाँ दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं टंग, टंग ऑफ अ शू. ओके, नेक्स्ट क्या है? टीथ, दांत. ठीक है, दांत के एग्जांपल हम कहाँ देते हैं? द टीथ ऑफ क्या क्या? यस, द टीथ ऑफ अ कंब, एक जो कंघी होता है ना, कंघी के दांत यानी कि टीथ ऑफ अ कंब. हम अपनी बॉडी पार्ट यानी कि टीथ को हम दांतों को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कंघी को बताने के लिए. ठीक है, आर्म, जो हमारा आर्म होता है ना बाजू, उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बताओ बताओ? यस ऑफ कोर्स, ये हम चेयर की बाजुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं ना, जहाँ पे हम हाथ रखते हैं उसको हम बोलते हैं द आर्म्स ऑफ अ चेयर. आर्म हमारे बॉडी के पार्ट होता है, हम चेयर की आर्म्स जो होते हैं ना उसको एग्जांपल देने के लिए अपने आर्म्स को हम बताते हैं द आर्म्स ऑफ अ चेयर. वेल, नाउ यू कैन सी द हैंड्स, हम हाथों को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे एग्जांपल देते हैं अपने हाथों का? वेल, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कहाँ पे? घड़ियों में एक्सप्रेस करते हैं, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक,
जो घड़ी होता है ना उसकी जो हाथ होते यानी कि कांटे होते उनको हम हैंड्स बोलते हैं, ठीक है। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स हमारे बॉडी का पार्ट है लेकिन घड़ी के कांटों को भी हम लोग हैंड्स ही बोलते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, ओके लेग्स, दीज आर अवर लेग्स, ओके सबके लेग्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो लेग्स हम कहाँ पे देते हैं बताओ, बताओ इसके एग्जाम्पल देते हैं हम लोग टेबल की लेग्स के लिए। ये देखो एक टेबल है और उसके लेग्स हैं, ओके द लेग्स ऑफ अ टेबल, समझ में आया। ओके अब हम आंखों के बारे में बात करेंगे, आईज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दीज दिस इज एन आई, ये एक आंख है, तो ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स इसको भी इस्तेमाल करते हैं, देखो कहाँ पे, यस ऑफ कोर्स नीडल में, नीडल की एक आंख होती है ना, सुई की आंख होती है, ठीक है, द आई ऑफ अ नीडल, और ये आंख जैसे दिखता है ना इसलिए करके हम क्या करते हैं सुई की आंख बोलते हैं, द आई ऑफ अ नीडल, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं धागा डालते हैं लाइक दिस, ओके। वेल नाउ विल टॉक अबाउट नेक, नेक का हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं कोई बताएगा, सोचो सोचो, यस नेक हम बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उनमें से बोतल भी है, देखो बोतल का गर्दन है ना, द नेक ऑफ अ बोतल, राइट, द नेक ऑफ अ बोतल। इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी बॉडी की जो पार्ट्स होते हैं किसी चीज को बताने के लिए उस बॉडी के पार्ट्स के नाम को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये नोज, भला नोज कहां पे इस्तेमाल होता है, ऑफ कोर्स होता है, कहां पे होता है, हु विल टेल, यस ऑफ कोर्स, ये देखो द नोज ऑफ एन एरोप्लेन, ये देखो मैंने मार्क करके भी आपको दिखाया है, द नोज ऑफ एन एरोप्लेन, नोज तो ह्यूमन बॉडी का नाम है लेकिन इसको हम किसी चीज को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, ओके नाउ फुट, पैर, ये कहां पे इस्तेमाल होता है कौन बताएगा, ये बढ़िया जगह पे इस्तेमाल होता है, द फुट ऑफ अ हिल, द फुट ऑफ अ हिल मतलब जो पहाड़ होता है ना उसके नीचे जगह को हम बोलते हैं फुट ऑफ अ हिल, ठीक है। वेल अब हम अपने माउथ की बात करते हैं, भला माउथ कहां पे इस्तेमाल होता है किसी को पता है, माउथ का जो नाम है ना हम कहां पे एग्जांपल देते हैं अपने माउथ को, यस बढ़िया जगह पे देते हैं और वो है द रिवर, सॉरी द माउथ ऑफ अ रिवर, द माउथ ऑफ अ रिवर जहां से नदी की उत्पत्ति होती है, जहां से नदी निकलता है उसको हम बोलते हैं द माउथ ऑफ अ रिवर, जैसे छोटे बच्चों के मुंह से लाल निकलता है ना वैसे ही किसी जगह से भी नदी निकलता है और बहुत पतली सी नदी निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, उसकी जो निकली हुई जगह होते हैं ना पानी जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं माउथ, उसके बाद छोटे छोटे नदियाँ मिलके बड़ा नदी बनाता है तो जहाँ से निकलता है उसको हम बोलते हैं ना माउथ, ठीक है। ओके सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, आई होप यू हैव लर्नड वेरी वेल and tomorrow I will come with another video, so till then bye bye, have a nice day, but aap logon ko isko once twice or thrice aapko achhi tarah se isko dekhna hai, theek hai, okay then bye bye, have a nice day, stay safe.